नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकाइंड्रोमेटा के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाई जाने वाली शेष संरचनाओं के बारे में। साथियों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इकाइंड्रोमेटा के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में मेड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लैटरल कैनाल व ट्यूब फिट पाए जाते हैं। इसके अलावा दो संरचनाएँ इकाइंड्रोमेटा के इस सिस्टम में और पाई जाती है, टीडमेन बॉडीज व पॉलियन वेसिकल। पहली संरचना जिसे अपन टीडमेन बॉडीज कह रहे हैं, वो संरचना ही स्टारफिश के इस सिस्टम में इंटर रेडियाई एरिया में पाई जाती है। इंटर रेडियाई एरिया दो रेडियल कैनाल के बीच का वो एरिया जो रिंग कैनाल में पाया जाता है, उसे अपन इंटर रेडियाई एरिया कहते हैं। हर इंटर रेडियाई एरिया में हम ये कहते हैं कि ये संख्या में दो होती है, सिवाय उस इंटर रेडियाई एरिया के जिसमें स्टोन कैनाल जुड़ती है, वहाँ पे ये केवल संख्या में एक होती है। इस तरह से स्टारफिश में जहाँ पांच इंटर रेडियाई एरिया होते हैं, उनमें कुल नौ टीडमेन बॉडीज पाई जाती है। टीडमेन बॉडीज पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, जिनके तीन कार्य सामान्यतः माने जाते हैं। पहला कार्य फेगोसाइट्स या भक्षी प्रकृति की कोशिकाओं का निर्माण करना, जिनके अंदर स्यूडोपोडिया होने के कारण अमीबोसाइट्स उनको कहा जाता है। दूसरा, ये एंजाइम्स का श्रावण करते हैं। तीसरा, इनका फंक्शन जो होता है वो फिल्टर अपरेटस के रूप में होता है। ये जो संरचनाएं हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में महत्वपूर्ण संरचनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा जो अगली स्ट्रक्चर है इकाइनोडर्मेटा के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो मानी जाती है, उसे हम कहते हैं पॉलियन वेसिकल। पॉलियन वेसिकल जो होती है, वो हम कह सकते हैं कि सभी इकाइनोडर्मेट्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम में नहीं पाई जाती। ये इकाइनेरेस्टिडी व एस्टिरिडी कुलों में एब्सेंट होती है। स्टारफिश चूँकि एस्टिरिडी का सदस्य है, इसलिए इसमें पॉलियन वेसिकल एब्सेंट होता है। स्टारफिश में एब्सेंट है, लेकिन अन्य इकाइंड्रोमेट्स में ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ रिंग कैनाल में टीडमेन बॉडीज पाई जाती है। लेकिन ये जहाँ टीडमेन बॉडीज रिंग कैनाल के अंदर खुलती है, वहीं पॉलियन वेसिकल्स रिंग कैनाल के बाहर की तरफ खुलती है। पॉलियन वेसिकल्स की जो संख्या होती है वो एक से चार होती है, तथा इनका मुख्य कार्य जो होता है वो वाटर को कलेक्ट करना। ये अतिरिक्त वाटर का संग्रह करके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पानी के उचित दाब को बनाए रखने का कार्य करती है। इसके बाद में यदि हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम में थोड़ा सा सिचुएशन या स्थिति की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक आर्म या एक भुजा में ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की स्थिति है वो दिखाई गई है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं तो ये एनएस वाला पार्ट है, ये नीचे की तरफ माउथ है, तो माउथ और एनएस के बीच में ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो जिधर एनएस है उस सरफेस को हम एबोरल सरफेस कहते हैं, और जिधर माउथ है उस सरफेस को हम ओरल सरफेस कहते हैं। मेड्रिपोराइट की पोजीशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने शुरू में बताया था कि एबोरल सरफेस पे हैं, एनस से थोड़ा दूर ये मेड्रिपोराइट है वो पाया जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि मेड्रिपोराइट से निकली हुई ये संरचनाएं जिसे अपन कह रहे हैं स्टोन कैनाल, वो ईसोफेगस के चारों तरफ पाई जाने वाली रिंग कैनाल में खुल रही है, और रिंग कैनाल से निकली हुई लंबी ये एक आप देख पा रहे हैं ये रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल के दोनों तरफ जुड़े हुए ये जो ट्यूब फिट है उनकी पोजीशन है उनको दिखाया गया। तो इस डायग्राम को देख करके आप इस बात को समझ सकते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम की जो स्थिति होती है वो इकाइंड्रोमेट्स में किस तरह से होती हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है, वो मुख्य कार्य हम कह सकते हैं कि लोकोमोशन से संबंधित होता है। अपन ने शुरू में बात कर ली थी कि इस सिस्टम का कार्य लोकोमोशन है, और ये जो सिस्टम है वो ट्यूब फिट के अंदर वाटर या जल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाकर रखता है, जिसके कारण ये ट्यूब फिट है वो फूल करके स्पीत हो जाते हैं, और इनके सकर या चूसक वाली जगह पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। स्टारफिश जब वॉक करता है तो उसको जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा की भुजा को ऊपर की तरफ उठा लेता है, शेष भुजाएँ जमीन की तरफ टिकी हुई होती है। फिर उसके बाद में जो भुजा उठी हुई है उस भुजा को नीचे टिकाकर दूसरी भुजा जो उससे लगती हुई है उसको
वो उठा करके उसके ट्यूब फिट की सहायता से आगे की तरफ ये मूवमेंट करता है। अगले वीडियो में जब हम और चर्चा करेंगे तो हम इसके लोकोमोशन या गति के बारे में कि किस तरह से ये संपादित की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।